भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां चुनाव को एक त्योहार माना जाता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर है। इस बीच इतनी बड़ी व्यवस्था को देख हर नागरिक के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इन चुनावों में कितना खर्च होता है। इसमें चुनाव कराने से लेकर पार्टियों के खर्चे, कैंडिडेट्स की रैलियां और बैनर पोस्टर समेत तमाम खर्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत में हो रहा यह चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। बात अगर हम सिर्फ एक वोटर और वोट की करें तो इस साल एक वोट पर करीब 700 रुपए खर्च हो रहे हैं। देश में करीब 97 लाख वोटर्स हैं। चुनावी खर्चों को देखने वाली सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के आम चुनावों में अनुमानित खर्च 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए था। बात साल 2024 की लोकसभा चुनाव की करें तो एक अनुमान के मुताबिक यह खर्चा लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। ये खर्च साल 2020 में अमेरिका में हुए आम चुनाव के बराबर माना जा रहा है, जहां 1.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। वैसे तो चुनाव आयोग चुनावी खर्चे पर पर्याप्त व्यय नियंत्रण और संतुलन लगाता है, लेकिन पार्टियों के खर्चे के लिए कोई सीमा नहीं है। ये लिमिट सिर्फ उम्मीदवारों के लिए होता है। चुनाव आयोग के चुनावी खर्चे पर नियंत्रण की बात करें तो प्रत्येक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के लिए 75 से 95 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। ये नियंत्रण क्षेत्र के हिसाब से तय किए जाते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए 28 से 40 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है। चुनावी खर्च की यह सीमा 1991-92 में हुए पहले चुनाव में 25,000 की थी।